नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरे पास ये सैमसंग का M02S मॉडल आया है और इसमें बैटरी टेम्परेचर टू हाई का वार्निंग देता है। जब हम चार्जिंग पे लगाते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वार्निंग आ गई और मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये मोबाइल जो है बाहर किसी दूसरे को दिखाया हुआ है और इसमें वाटर डैमेज स्टेट है, ये पानी में गया मोबाइल है। तो इसे हम आज रिपेयर करके दिखाएंगे कि हम किस तरह से रिपेयर करेंगे, ये आपको ध्यान से देखना है। तो दोस्तों इस तरह के जो प्रॉब्लम आते हैं ये अक्सर चार्जिंग बोर्ड या फिर बैटरी और अगर कोई जैसे अगर छोटी मोटी अगर शॉर्टिंग रही उससे भी आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने चार्जिंग बोर्ड भी चेक किया, चार्जिंग का पत्ता भी चेक किया, सब कुछ ओके था। और यहाँ पे आप बैटरी कनेक्टर के पास देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी का जो है जंग लगा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें सबसे पहले बैटरी कनेक्टर को चेक करना है अपने मल्टीमीटर से। मैं यहाँ पे मल्टीमीटर से बैटरी कनेक्टर चेक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ऊपर वाले पॉइंट के ऊपर कोई सप्लाई नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अभी नीचे वाले पॉइंट को चेक किया तो ये इसकी एक ही ट्रैक है, इसलिए यहाँ पे दोनों को शॉर्ट बता रहा है क्योंकि एक ही ट्रैक में जुड़े हुए दोनों। उसके बाद दोस्तों मैं इसको ऊपर वाले को चेक कर रहा हूँ, ये भी एक साथ जुड़े हुए हैं यानी इसकी भी एक ही ट्रैक है, यानी दोनों दोस्तों यहाँ पे जो रजिस्टर दिख रहे हैं वो इसी के है। यहाँ पे जो NTC सप्लाई जो होते हैं बैटरी वगैरह के वो वाले रजिस्टर है वहाँ पे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ग्राउंड से चेक कर रहा हूँ नीचे वाले पॉइंट को, तो मुझे रजिस्टर यहाँ पे दिखा रहा है मल्टीमीटर के ऊपर। आप देख सकते हैं कांटा हल्का सा हिल रहा है और यहाँ पे मैं ऊपर वाले को अगर चेक करता हूँ तो वहाँ पे बिल्कुल भी कोई सप्लाई नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा जंग दिख रहा था तो उसी में साफ किया। यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉइंट भी अच्छा है मगर यहाँ पे कोई सप्लाई बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम है हमारे रजिस्टर के नीचे का जो शोल्डर होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है पानी की वजह से। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं दिखा रहा है। अब मैं रजिस्टर के दूसरी साइड में अगर चेक कर रहा हूँ मल्टीमीटर से तो वहाँ पे सप्लाई दिखा रहा है, रजिस्टर दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रजिस्टर को घिस लेता हूँ तो यहाँ पर भी रजिस्टर तो ओके है मगर ये सोल्डर नहीं पकड़ेगा क्योंकि वाटर डैमेज है ये और पानी की वजह से इसका जो सोल्डर लगने वाला पॉइंट होता है वो ख़त्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर रजिस्टर को उखाड़ दिया है और यहाँ पे मैं जंपर लगाकर देखूंगा। जंपर लगाने के बाद हम टेस्ट करेंगे इसका सक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों जंपर हमारा लग चुका है, अब हम चेक करने वाले हैं प्रॉब्लम हमारा निकला या नहीं निकला पता चल जाएगा अभी। तो दोस्तों अभी भी मोबाइल का प्रॉब्लम नहीं निकला है, अभी भी सेम कंडीशन है। तो ऐसे में दोस्तों हमें वहां से जंपर निकालना पड़ेगा और वहां पर रजिस्टर लगाना पड़ेगा, जैसे पुराना रजिस्टर जो था वहाँ पे वैसे ही हमें रजिस्टर लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कार्बन K9 का मेरे पास एक मदरबोर्ड था और बैटरी कनेक्टर के ऊपर जो बीच वाला पॉइंट होता है वहाँ पर NTC सप्लाई होता है, वहाँ का रजिस्टर मैंने निकाला और इसमें लगाया। दोस्तों वो उसकी वैल्यू जो है लगभग 10 kΩ की थी, 10 kΩ। आप 8, 9, 10, 11, 12, 15 तक के वैल्यू का आप लगा सकते हैं। 10 kΩ से लेके 15 kΩ तक के आप रजिस्टर यहाँ पे लगा सकते हैं, बैटरी सप्लाई के जो NTC सप्लाई जो होते हैं वहाँ पर आप लगा सकते हैं। दोस्तों प्रॉब्लम बिल्कुल निकल जाती है। अभी मैं यहाँ पे एक मदरबोर्ड निकाला हूँ कार्बन K9 का और वहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है तो वो रजिस्टर मैं निकालूँगा और इसमें लगा दूँगा। दोस्तों इस तरह के रजिस्टर जो होते हैं आपको मदरबोर्ड में कहीं भी मिल जाएंगे, किसी भी मदरबोर्ड में मिल जाएंगे, चाहे कीपैड वाला फ़ोन हो या फिर एंड्रॉयड फ़ोन हो। आप किसी भी पुराने मदरबोर्ड में से 10 kΩ का रजिस्टर आप निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। इस तरह के दोस्तों प्रॉब्लम कई बार आ जाते हैं, खास करके जो वाटर डैमेज होते हैं या फिर
कई बार चार्जिंग बोर्ड जो होता है हमारा, हम जो चेंज कर देते हैं ओरिजिनल की जगह डुप्लीकेट लगा देते हैं, उससे भी कई बार इस तरह की प्रॉब्लम देखने को हमें मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 10 किलो ओम्स का रजिस्टर निकाल रहा हूँ कार्बन किनन के मदरबोर्ड में से। आपको इस तरह के रजिस्टर कहीं भी मिल जाएंगे, क्योंकि बैटरी कनेक्टर के ऊपर अक्सर 10 किलो ओम्स के रजिस्टर लगे रहते हैं। अगर आपके पास अगर ऐसे कोई रजिस्टर अगर नहीं मिलते, तो जो बड़े वाले रजिस्टर जो आते हैं, जो बड़े सर्किट में लगे रहते हैं, जैसे कि एम्पलीफायर वगैरह हो गया, उसमें भी 10 किलो ओम्स के रजिस्टर आपको मिल जाएंगे। और ऐसे रजिस्टर आपको मार्केट में भी मिल जाते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं बड़े वाले रजिस्टर, बस आपके मोबाइल के अंदर जगह होनी चाहिए उसे लगाने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ये रजिस्टर लगा रहा हूँ। दोस्तों अगर ज़रूरी नहीं है कि 10 किलो ओम्स का रजिस्टर होना चाहिए, थोड़ा अगर ऊपर नीचे अगर रहता है तो भी चल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ये रजिस्टर लगा रहा हूँ, अब इसके बाद चेक करते हैं प्रॉब्लम निकलता है नहीं निकलता। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा रजिस्टर लग चुका है। अब मैं यहाँ पे अपना चेक करने वाला हूँ ट्रैक। यहाँ पे हमें थोड़ा सा काटा उठ रहा है, बस इतना ही उठना चाहिए। और दोस्तों अब हमें इसे क्लीन कर देना है मदरबोर्ड को। हमारा सभी ट्रैक ओके है, अब हमें यहाँ पे क्लीनर से बिल्कुल साफ़ कर देना है। गंदगी बिल्कुल भी नहीं रखनी मदरबोर्ड के ऊपर, साफ़ सुथरी काम करना है चकाचक बिल्कुल। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा मैं सुखा दूंगा इसको। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कार्बन किनन का यहाँ का रजिस्टर निकाला है, जो 10 किलो ओम्स का रजिस्टर था। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मोबाइल का जो प्रॉब्लम जो था, बैटरी टेम्परेचर टू हाई या फिर बैटरी टेम्परेचर लो, ये दो प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे दोस्तों चार्जिंग होना स्टार्ट हो गया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट कर दिया है वीडियो को। यहाँ पे हमारे जो परसेंटेज जो है वो भी बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 28% थी, अब 29% हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक कि जय हिंद जय भारत।